बगल में मानव श्रृंखला में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे कि नहीं थे, और आप में से बहुत लोग भी थे, हम क्यों नाम ले, सब लोग थे, मैक्सिमम लोग थे। और उसके बाद आप क्या शराबबंदी पर बोलते हैं, तो इसलिए कौन इन चीजों पर कमेंट करे। हाथ पकड़ने वाला हाथ छोड़ता है कि हम कहीं छोड़े, आपका हाथ पकड़े थे, हम थोड़ी हाथ पकड़े थे, उन्हें हाथ पकड़े थे। एक सवाल है कि जब से आपने उनका एक बात भ्रम आप लोगों का है, नहीं। हम नहीं हाथ पकड़े, वो लोग हाथ पकड़े थे। नहीं, जब हाथ ज्यादा छुड़ाने लगा तो क्या करते, नहीं छुड़ा ही ना लेते। सर एक सवाल है कि जब से आपने उनका साथ छोड़ा तो बालू ने विशेष ध्यान दिया, लेकिन अभी जो जो कॉमन मैन है उसका एक शिकायत है कि जो आपका नया रेट है वो पुराने रेट से, जो मतलब जब वो बालू माफिया के कब्जे में वो धंधा था उस समय जो उसको रिटेल में जो प्राइस पे करना पड़ता था, अब उसका कई महंगा काफी कॉस्टली उसको खरीदना पड़ेगा। तो ये कौन सा रिफॉर्म है जिसमें कि एक कंज्यूमर हैज टू पे मोर? नहीं देखिए, उसके बारे में जो नियमावली बनी, नई नियमावली बालू के कारोबार को लेकर, तो हाईकोर्ट से वो स्टे हो गया है, तो अब जो पहले की व्यवस्था है वही व्यवस्था है। और इसके संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। इसका मकसद है लोगों को इन सब चीजों की उपलब्धता सहज ढंग से हो, ये मकसद नहीं है कि लोगों को जो जरूरत जिनको है उनको इन चीजों की उपलब्धता में कठिनाई हो, उपलब्धता सहज ढंग से। लेकिन ये पूरे कारोबार में जो लोग नियम तोड़ते थे, दो नंबर का काम करते थे, उसको चेक करने की नियत है जो इस पूरे चीज के बारे में जो नई नीति बनाई गई थी। लेकिन इसका मकसद ये कभी नहीं है कि आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ, या इस काम में लगे हुए जो हमारे निचले तबके के मजदूर तबके के लोग जो दूसरे लगे हुए हैं उनको कोई कठिनाई नहीं। ये सीधे एकमात्र था कि साहब किस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा था, कोई किसी इलाके का उसको मिला है और बहुत सारा लोगों ने लिया था, लेकिन उसका पर्यावरण का क्लियरेंस तक नहीं दिया, और जिन जगहों पर उठा रहे थे वो देखा जा रहा था, ये आमतौर पर शिकायत मिल रही थी कि भाई जितनी गहराई तक बालू उनको उठाना उससे ज्यादा गहराई से उठा रहे, और जितने एरिया का उनको मिला हुआ है उससे ज्यादा एरिया में जा रहे, और दूसरी बात है कि किस प्रकार से बालू को लोग उठा रहे हैं और बालू को जिस तरह से ले जाना है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, वो नहीं करके वो सब जगह से जाइए, कितनी सड़कें टूट रही थी, आपको आश्चर्य होगा, जरा जाकर के देख लीजिए। ये जो शेरशाह सूरी पथ है सोन नदी के किनारे, आप जरा सा देख लीजिए उन सड़कों की हालत को। तो आफ्टर ऑल जो उसके संबंध में हिदायतें उसका खुलेआम उल्लंघन करना और बहुत तरह से इसमें कोई गड़बड़ी करना, उसको रोकने के लिए राज्य सरकार की मंशा जरूर, धंधाबाजी नहीं होना चाहिए, यह व्यापार हो ठीक ढंग से व्यापार हो। और इसलिए एक मन बना जब विभाग की समीक्षा हुई तो हुआ कि भाई जो इसका होलसेल ट्रेड है उसको एक कॉरपोरेशन बनाकर किया जाए, तो ये सारी बातें हुई थी। लेकिन खैर नई नियमावली तो अभी रुकी हुई है, अब तो पुराने ढंग से ही पुरानी नियमावली इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता कठिनाई होती है, इसमें कोई शक नहीं, कठिनाई होती है किसी भी चीज को लागू करने में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इतनी कमाई हो रही थी कुछ लोगों की, इतनी कमाई हो रही थी, और ये भले ही कागजी तौर पर नहीं दिख रहा हो लेकिन खुलेआम तो सबको दिख ही रहा था, सबको दिख रहा था। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार ने यह सोचा कि इसमें जो गड़बड़ी है उसको हम दूर करें।